टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म था जहां लोग मात्र 15 सेकंड की वीडियो बनाकर रातों रात फेमस हो जाते थे। ये ऐप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और लोगों का पसंदीदा ऐप था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से टिकटॉक सहित 58 ऐप बैन कर दिए गए। तो अब आपके पॉपुलर टिकटॉक स्टार क्या करेंगे? क्या सच में वो बेरोजगार हो गए? क्योंकि लोगों का मानना था कि टिकटॉक पर ओट हिलाकर वो फेमस हो जाते थे और मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स कमा लेते थे, लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 10 टिकटॉक स्टार के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अब वो क्या करेंगे और अब वो आपको कहाँ दिखाई देंगे। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, गरिमा चौरसिया। गरिमा चौरसिया एमिवे के बहुत हार्ड सॉन्ग से फेमस हुई थी। विद इन 24 आवर्स इनकी वीडियो पे 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे। ये वीडियो इनका इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि टिकटॉक पर इनकी वीडियो का ऐड चलने लगा। इसके बाद इन्हें कई एल्बम सॉन्ग मिले। इस टाइम इनके टिकटॉक पर 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। इनके अधिकतर वीडियो लिपसिंग वाली होती थी। अब तो टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन इनका और इनकी फ्रेंड रुगिस विनी का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम रुगिमा है, जहाँ पर इनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब गरिमा और रुगिस वहाँ पर रेगुलर वीडियोज डालेंगी और अब आपको गरिमा आगे चलकर किसी एल्बम सॉन्ग या किसी मूवी या सीरियल्स में दिख सकती हैं। नंबर 9, ब्यूटी खान। 19 साल की ब्यूटी खान टिकटॉक से पहले लाइकी ऐप पे वीडियोस बनाती थी, लेकिन टिकटॉक की एक वीडियो ने इन्हें इतना ज़्यादा वायरल कर दिया कि जहां 2020 के शुरुआत में इनके मात्र 5 लाख फॉलोवर्स थे, वहीं कुछ महीने में इन्होंने 22 मिलियन का फॉलोवर का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन ये जितनी ज़्यादा फेमस हुई उतनी ही ज़्यादा ये ट्रोल हुई, क्योंकि लोगों का मानना था कि इनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन इन सब बातों को उन्होंने इग्नोर किया और वीडियोज़ डालती रही। लेकिन अब आफ्टर टिकटॉक बैन इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है जिस पे ये अपनी डांसिंग की वीडियोस डालेंगी। नंबर 8, समीक्षा सूद। समीक्षा सूद टिकटॉक से पहले टीवी सीरियल्स में काम करती थी। इन्होंने बालवीर में डरी परी के किरदार से अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था। इसके बाद फियर फाइल्स और डोली अरमानो जैसे टीवी सीरियल्स में काम भी किया, लेकिन इनको वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिस पहचान की ये तलाश में थी। तो ये टीवी सीरियल के साथ साथ टिकटॉक वीडियोज बनाती थी, जो पहले म्यूजिकली ऐप के नाम से फेमस था। ये टिकटॉक पर तब फेमस हुई जब इनको विशाल और भाविन का साथ मिला। इनका टीम तिंतिगाड़ा के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस था और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था इनको, जिसके कारण समीक्षा के अकाउंट को बहुत ज़्यादा बूम मिला और इनके अब तक 23 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके थे। विशाल, समीक्षा और भाविन का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम तिंतिगाड़ा है, वहाँ पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। टिकटॉक बैन होने के कारण समीक्षा फिर से टीवी सीरियल्स में काम कर सकती हैं। नंबर 7, अमनीत कौर। अमनीत एक बेहतरीन डांसर और उम्दा टीवी एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। ये टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, लेकिन इन्होंने कभी टिकटॉक वीडियोस के लिए टीवी शोज नहीं छोड़ा है। टिकटॉक पर इनके 23 मिलियन फॉलोवर्स थे, लेकिन टिकटॉक तो बैन हो चुका है और एक खबर और आ रही है कि अलादीन नाम तो सुना होगा, टीवी शोज अमनीत छोड़ेंगे। इसका क्या कारण है अभी उन्होंने ये तो नहीं बताया है, लेकिन इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आजकल अमनीत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं। नंबर 6, आवेश दरबार। आवेश दरबार एक मल्टी टैलेंटेड टिकटॉक स्टार हैं। ये कॉमेडी, डांसिंग और मोटिवेशनल कंटेंट डालते थे। इनके टिकटॉक पर 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये डांसिंग और ब्लॉग वीडियोज़ डालते हैं। वहाँ पर बहुत जल्दी 3 मिलियन सब्सक्राइबर ये कम्प्लीट करने वाले हैं। इनका एक बी यू अकेडमी है जहाँ पर ये डांस सिखाते हैं और ये एक कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं। नंबर 5, निशा गुरागेन। निशा गुरागेन एक काफ़ी पॉपुलर टिकटॉक स्टार थी। इनका एक वायरल वीडियो ने इनकी किस्मत ही बदल दी, जो याद है आता तेरे नजरें मिलाना सॉन्ग पे वायरल हुआ था। इसके बाद इनका अकाउंट बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और इनको कई एल्बम सॉन्ग भी मिले। इनके टिकटॉक पर 27 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। फिलहाल ये अभी एक कंट्रोवर्सी में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं और टिकटॉक भी बैन हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इनका आगे का क्या प्लान है। नंबर 4, जन्नत जुबेर। जन्नत जुबेर एक बेहतरीन टीवी एक्ट्रेस थी। इनका लास्ट टीवी सीरियल तू आशिकी था, जिसमें इन्होंने पंक्ति का किरदार निभाया था और लोगों को इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था। लेकिन इस शो के बंद होने के बाद ये टिकटॉक पर रेगुलर हुई और ये टिकटॉक पर 10 मिलियन कंप्लीट करने वाली सबसे पहले टिकटॉक क्रिएटर बनी। इसके बाद इन्हें कई एल्बम सॉन्ग मिले जो कि हिट रहे। अब टिकटॉक बैन हो चुका है, तो मे बी आपको ये टीवी सीरियल या किसी मूवी में फिर से दिखाई दे। अभी सारी शूटिंग बंद है, तो फिलहाल ये यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पर रेगुलर वीडियोज डाल रही हैं। इनके बहुत जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। नंबर 3, आशिफा खान। आशिफा खान एक पॉपुलर टीवी चाइल्ड आर्टिस्ट थी। इन्होंने 17 से भी ज़्यादा टीवी सीरियल किए हुए हैं। इन्होंने अप्रैल 2019 में अपने टिकटॉक जर्नी स्टार्ट की थी और बहुत कम समय में 29 मिलियन फॉलोवर का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया था। इन्होंने कई हिट एल्बम सॉन्ग किए हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए।
अभी इनका टीवी में लौटने का मूड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर टिकटॉक बैन ये किसी वेब सीरीज या किसी टीवी सीरियल में एज अ लीड एक्ट्रेस आपको दिखाई दे। लेकिन फिलहाल अभी ये अपने यूट्यूब चैनल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पर ये अपने मेकअप और ब्लॉग वीडियोज डालती हैं। वहाँ पर इनके 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। नंबर 2, मिस्टर फैजू। अगर टिकटॉक ने किसी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई है तो वो है मिस्टर फैजू। इनका हाल में ही 30 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हुआ था। इनको एक बार टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक करने का इनका अकाउंट बैन कर दिया गया था 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी इनके पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जिसके बाद इनके कई एल्बम सॉन्ग आए यूट्यूब पर जो कि हिट रहे हैं। इन्होंने जब टिकटॉक पर 1 साल बाद कम बैक किया तो लोगों ने इनको वैसा ही प्यार दिया। लेकिन फिलहाल अब टिकटॉक बैन हो चुका है, तो आपको किसी ये टीवी सीरियल या एल्बम सॉन्ग में दिखाई दे। और इन्होंने अभी हाल में एक अपना यूट्यूब चैनल खोला है, जिसमें मात्र इन्होंने 3 वीडियोस ही डाली है, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर इनके कंप्लीट होने वाले हैं। नंबर 1, रियाज अली। ये इंडिया के नंबर 1 टिकटॉक स्टार है। मात्र 17 साल के रियाज अली टिकटॉक पे काफ़ी तेजी से पॉपुलर हुए। इन्हें लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अभी हाल में इन्होंने 40 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया है। इन्होंने कई एल्बम सॉन्ग किए जो कि हिट रहे। ये अपना आगे एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन रियाज ने अभी ये इन्फॉर्म नहीं किया है आफ्टर टिकटॉक बैन कि ये आगे क्या करेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत जल्दी देने वाले हैं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हुआ टैलेंट नहीं। अगर किसी के अंदर सच में टैलेंट है तो वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाकर लोगों का प्यार पा सकता है। वैसे आपका इन 10 में कौन फेवरेट है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इनकी लाइव स्टोरी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा 1 लाइक। अगर कोई वीडियो डिमांड या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे और पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।